तो डालते हैं नजर प्रदेश के खबरों पर। 5 साल से योगा को लोगों तक पहुंचाने का कार्य जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। एजुकेशन ग्रुप की छात्रा श्रद्धा दुबे को योग वेलनेस सेंटर आयुर्वेदिक अस्पताल जिला जलौर में योग सहायक पद पर चयन हुआ है। एजुकेशन ग्रुप के प्रबंधक आलोक द्विवेदी ने कहा कि संस्था के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी बेटियां सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। इस मौके पर संस्थान के प्रबंधक आलोक द्विवेदी ने छात्रा को मिष्ठान्न खिलाकर उसका उत्साह वर्धन किया है और कहा कि हमारी संस्थान जनपद का एकमात्र संस्थान है जिसे योग शिक्षा प्राप्त कर छात्रा योग सहायक पद पर चयनित हुई है और कहा कि संस्थान के उद्देश्य के अनुरूप योग प्रचार प्रसार के लिए जनपद में कहीं भी निःशुल्क योग शिविर लगवाने के लिए इच्छुक योग प्रेमी आवश्यक संस्थान को अवगत कराए। साथ ही छात्रा श्रद्धा दुबे ने अपनी कामयाबी के विषय में बताया कि संस्थान के योगाचार्य पंडित अरुण कुमार द्विवेदी ने देवेश द्विवेदी के मार्गदर्शन में योग सीखकर आज ये मुकाम हासिल किया है। इस मौके पर दीपेंद्र सिन्हा, विशाल तिवारी, नितिन तिवारी, रत्नाकर त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न हुआ है। जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप में आज जिस छात्रा का चयन हुआ है, बहुत जनपद जालौर के गौरव की बात है। एजुकेशन ग्रुप ने छात्र छात्राओं के हित में बहुत कार्य किए, जैसे कि योग मॉर्निंग टाइम सुबह एक्टिविटी क्लासेस चला के, उसके बाद सायंकालीन क्लासेस चला के उन लोगों को ट्रेंड किया है। और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो भी वैकेंसी ओपन हुई है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में वेलनेस सेंटर के रूप में, आज हमारी छात्रा श्रद्धा दुबे का चयन हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट जालौन के गौरव की बात है। यहाँ आयुर्वेदिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हुई है, जिसका मुझे यहाँ पे वेलनेस सेंटर ऑफिसर कॉलोनी में मिला है। और मुझे मेरा मैं अपना श्रेय जॉब का मैं श्री आलोक कुमार द्विवेदी जी को देना चाहती हूँ और मेरे फादर को देना चाहती हूँ और मेरे बाकी का जो अरुण कुमार द्विवेदी जी टीचर्स हैं, जो टीचर हैं मेरे, मैं उनको देना चाहती हूँ। NBC न्यूज के लिए जनपद जालौन से आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट।